तो भैया आज हम लोग जा रहे हैं गाड़ी की मॉडिफिकेशंस करवाने, जैसे कि इंडिकेटर्स वगैरह जो हम लोग के नहीं लगे थे वो दोबारा से गाड़ी में लगने जा रहे हैं। ये 220 खड़ी है, देन नाउ अंदर अपनी R15 खड़ी है, चेक दिस। तो गाइस इसको बाहर निकालते हैं और चलते हैं। और मैं आप सबको एक चीज़ बता दूँ, हमारा जो पिछला व्लॉग है वो लास्ट ईयर का लास्ट व्लॉग था और ये साल का पहला व्लॉग है, तो इस पर सपोर्ट ज़रूर करना गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं आगे व्लॉग में। तो भैया हमारी गाड़ी निकल आई है घर से, और जैसा कि सबको पता है कि भाई हम लोग जो हैं अच्छे अच्छे व्लॉग लाते हैं आप ही लोगों के लिए, और आज भी कुछ व्लॉग तगड़ा ही लाने वाला हूं मैं, बस बने रहो, दिखाता हूं आज तगड़ा वाला व्लॉग। और कुछ रिएक्शंस भी मिलेंगे, कुछ पब्लिकली फेस जो है अपना लोगों का रिवील तो हो ही रहा है, और 30K की अपनी इंस्टाग्राम आर्मी और 1.75K की हमारी YouTube की आर्मी हो चुकी है, और इसको आगे बढ़ाना है। सपोर्ट करो भाई अपने भाई को द UP 78 राइडर, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करोगे तो भाई कौन करेगा, मेरा ये मानना है। तो चलो गाइस गाड़ी में काम कराते हैं और फिनिश करा के इसको हम छल्लो बनाते हैं, ठीक है। गाड़ी लेके हम लोग निकल आए मानस के पास सेंटर में, अभी इतना बहुत पावरफुल मशीन है यार अपनी गाड़ी, बहुत ही ज्यादा पावरफुल मशीन है। आज मैंने एग्जॉस्ट में लगा रखा है डिफिकुलर, तो 1% मतलब साउंड ही नहीं है, ऐसा लग रहा ओरिजिनल बाइक का साउंड है और हम चला रहे हैं गाड़ी। यार गाड़ी को कभी कभी स्मूथली चलाना चाहिए। वाले कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते भाई, हम लोग के ऊपर तुरंत एक्शन हो जाता है। चलना अपन को कहा है सबको पता ही है, कौन है भाई की दुकान, तो उनके अलावा कहीं जाते भी नहीं, तो चलते हैं वहाँ पर सीख लिए। बंद हो गई गाइस, गाड़ी धोखा दे दी।
क्या हो गया गाइस इसको, साइड में करो साइड में करो साइड में करो, हो गई गाइस हो गई, स्टॉप ही मार दिया था ना अचानक से। तो भैया लाल बंगले वाले चौराहे हरजिंदर नगर में अपन लोग आ चुके हैं, कड़कती ठंड के साथ हम लोग मजे करते हुए आए हैं बाबा। ठंडी है भाई कुछ भी कहो, मैं अच्छा हुआ अंदर से एक इनर पहने हुए हूँ, इतना कोई इशू नहीं आ रहा है, लेकिन भाई अगर सच बता रहा हूँ ओपन जैकेट में अगर मैं इनर ना पहने होता तो भाई मैं टेढ़ा हो जाता आज। चलिए कॉनन भाई के पास फटाक से पहुँचते हैं, आपका भाई हो वहाँ ट्रेंड ना हो भाई का, ऐसा हो सकता है क्या? मेरे आगे कोई बोल सकता है क्या? हल्के में लेता है सब अपने को। पावर कितना उठ गई थी भाई अपने आप, कसम से यार। ओ भाई हल्का सा गियर शिफ्ट किया था अपने आप, अब मार गई थी। पता नहीं इसको क्या हो गया, कौन सा घोड़े का पावर आ गया भाई इसके अंदर, 10,000 RR बन गई क्या? अबे भैया दिमाग हिल गया था एकदम से, उठ गई थी भाई मेरी हालत खराब हो गई थी एकदम एक पल के लिए। कैसे हैं आप? अरे आराम से है भाई, ज्यादा नहीं, वो ठंडी की वजह से आंसू आ रहे हैं जानते हो। और भाई अभी पता है गियर शिफ्ट किया, पहले गियर लगे अपने आप उठ गई, मेरी चोक ले गई थी उस वक्त। जी सर लगा रहे, सर लगा रहे, सर यार इसमें इंडिकेटर लगवाने, यार लगवा लें आज तो काम वाम हो जाए। ठंडी बहुत है भाई, भाई ऐसे आए डायरेक्ट उठे हैं ले आए हम इस समय, गाड़ी खड़ी है चला कहाँ रहे, 4 दिन उस दिन निकला है, संडे के बाद से अब निकली है, संडे के बाद से सोच लो आज थर्सडे हो गया, 4th दिन 3 दिन गाड़ी खड़ी रही है। चला ही नहीं रहे थे बिल्कुल, देखो गंदी कितनी, सिर्फ ऐसे देखो देखो, आज साफ करेंगे इसको। तो भैया कॉनन भाई की दुकान पे आ चुके हैं, ये देखिए हमारे कॉनन भाई लगे हुए हैं फोन में, ये अपनी बीस्ट
ये कॉर्न भाई की शॉप और हम भी आ चुके हैं। अब थोड़ा सा गाड़ी में एक वर्ड लिखवाना है, वो लिखवा लें इसका। यार हम कह रहे थे देखो जो अपना हेलमेट है इसको गाड़ी का लुक दे दो, आ जाएगा इसको करो यार। तो भैया हेलमेट का भी लुक चेंज कर देंगे, गाड़ी जैसा बना देंगे आज इसको, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस कॉर्न भाई के हम लोग बैठे हुए हैं और कॉर्न भाई देखिए क्या कर रहे हैं, कलरिंग कर रहे हैं हेलमेट में हमारे। जैसा कि सबको पता ही है भाई कि भाई हेलमेट को हम लोग गाड़ी का कलर दे रहे हैं, तो देखते हैं कैसा लगता है बाद में तैयार होने के बाद। सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है, मज़ा आ रहा है। तो भैया बनते हो तो आपने फोटो जरा दिखा दीजिए कॉर्न भाई, ये हमारा हेलमेट का कलर हो गया है। अभी भी पूरा हुआ थोड़ी ना है, सिर्फ कलरिंग हुई है, तो बेस्ट तरीके से कलर हो रहे हैं, इसमें कटिंग वकटिंग वगैरह बाकी है, कॉर्न भाई हमारे कर रहे हैं। जब तैयार होगा गाइस कैसा लगेगा, क्योंकि इसको कुछ अलग लुक दे रहे हैं। जो अभी तक कानपुर में ऐसा हेलमेट, कानपुर क्या पूरे इंडिया में ऐसा हेलमेट ही नहीं बना है, क्यों कॉर्न भाई सबसे अलग चीज़ बनाते हैं हम लोग, आप लोग जानते हो। जैसे इसको बिल्कुल यूनिक चीज़ बना रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो कलरिंग किस तरह के कलर्स दिए हैं, और बहुत यूनिक चीज़ बनेगी भाई, मज़ा आ जाएगा। चेक दिस, सॉरी ज़्यादा कर दिया, तो स्क्रैचेस का यहाँ काम हो रहा है। कॉर्न भाई हमारे लगे हुए हैं हमारे साथ, क्यों कॉर्न भाई कब तक हो जाएगा? बस थोड़ी देर और लगेगी और काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो बने रहिए ब्लॉग में। देन नाउ गाइस हमारा जो हेलमेट है कंप्लीट हो चुका है, बड़ा लुक चेक, इधर साइड का लुक चेक करिए, ठीक है इस साइड का लुक चेक करिए, ठीक बैक चेक करिए, एंड फ्रंट, दिस इज़ अ फ्रंट, कितना प्यारा कलर आ रहा है भाई, बहुत ही बेहतरीन शाइनिंग का। सभी लोग एक बार देख लो लुक अपना हेलमेट का, मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है फ्रंट से लेकर हर चीज़ का, ठीक है। तो ये अपना काम जो है यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है, एक बार ये देखिए बहुत ही बेहतरीन लुक आ रहा है। तो भाई लोग अपना जो हेलमेट का काम है, एक मिनट रुको, तो भाई लोग अपना हेलमेट का काम हम लोग ने कंप्लीट करा लिया और गाड़ी का भी काम कंप्लीट हो गया है, इंडिकेटर लगवाने तो लगवा लिए हैं, ओके हो गया है गाड़ी का काम, और अब हम यहाँ से चलेंगे अपने घर और व्लॉग करेंगे यहाँ पर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग में बने रहने के लिए थैंक यू, और कॉर्न भाई एक बार आप भी आ जाइए, आइए तो हमारे, आओ आओ। तो ये हमारे कॉर्न भाई, कोई भी बाइक का वर्क हो रैप वगैरह भाई के पास आओ, और भाई जो है हमारे बाइक का वर्क करते हैं यहाँ पर, गाड़ी का काम है इनका, तो इनके पास आओ कॉन्टैक्ट करो और सिस्टम हैंग कर दो भाई। भाई ब्लॉग करते हैं, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।